जय बजरंग बली की दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने घर में अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करता है तो वह यही आशा करता है कि आज के बाद उसके दिन बदल जाएंगे, उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन ज्यादातर यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। व्यक्ति के दिन ब दिन दरिद्रता उसके घर में वास कर लेती है। इसका कारण हमारे ही घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं होती है जो कि जाने अनजाने हमारे साथ ही अपने घर में हम प्रवेश करवा लेते हैं। अगर आप भी कठोर परिश्रम करने के बाद भी परेशान हैं, आपकी जिंदगी में तरक्की आपको देखने को नहीं मिल रही है तो इस बात पर एक बार अवश्य गौर करें कि कहीं आपके साथ भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में तो नहीं घुस गई है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम सुबह अपने कार्य करने के लिए नित्य प्रतिदिन जो हम कार्य करते हैं उन्हें करने के लिए घर से बाहर जब निकलते हैं तो हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहां की नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। पुराने समय में इसी क्रिया को नजर लगना कहते थे। कभी कभी ये नजर लगना किसी अन्य व्यक्तियों के कारण भी होता है। जो व्यक्ति हमारी तरक्की को देखकर जलने लगते हैं, अक्सर आपने ये महसूस किया होगा, जब भी आप सफलता प्राप्त करने लगते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाबी प्राप्त करने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, तभी कुछ ऐसा होता है कि आपका जीवन ही बदल जाता है, आपके घर में नजर लग जाती है। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि यह घर या यह व्यक्ति बहुत अच्छा था लेकिन अब लगता है किसी की नजर लग गई है। ऐसा तभी होता है जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर लेती हैं। इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण व्यक्ति का जिंदगी इतनी बुरी हो जाती है कि व्यक्ति कभी कभी नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण अपनी जिंदगी को तबाह करने की ओर चल पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही उपाय के बारे में बताएंगे जो आपको हर रोज करना है, जिसे करने से आप अपने घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, अगर घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो वह भी नष्ट हो जाएगा। बस अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिख दें जय बजरंग बली। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार हो जाता है तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आप अपने ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं को जो इकट्ठा हो चुकी है उन्हें अगर नहीं हटाएंगे तो आपका जीवन भी दुर्भाग्यों से भर जाएगा। इनको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, पानी एक ऐसी वस्तु है जो कि निर्मल होती है और साथ ही स्वच्छ और हमेशा ही पवित्र रहती है। पानी की पवित्रता के कारण ही हर कोई व्यक्ति अपने ऊपर से नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रतिदिन स्नान करते वक्त हटा सकता है। बस आपको करना यह है कि जब भी आप स्नान करने जाएं, नहाते समय आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए नहाते रहें और जब आप अंतिम बार अपने शरीर पर पानी डालें तब एक बार इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनम मृत्यु मोक्षे मामृतात्। दोस्तों, यह मंत्र भगवान शिव शंकर का महामृत्युंजय मंत्र है। ओम नमः शिवाय और इस महामृत्युंजय मंत्र के एक बार जाप करने मात्र से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप प्रतिदिन स्नान करें तब आप इन दोनों मंत्रों का जाप करें और जिस विधि से हमने आपको बताया है उसी प्रकार से आप इस मंत्रों का जाप करें। आप देखेंगे कि आप स्नान करने के तुरंत बाद ही अपने आप को काफी हल्का महसूस करेंगे, आपको अपने अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान केवल इसी बात का रखना है कि आपको यह प्रयोग पूरी तरह से विश्वास के साथ करना है, क्योंकि दोस्तों आपका विश्वास ही है जो कि एक पत्थर में भी भगवान के दर्शन करा देता है। तो अगर आप विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो वह अपना फल और अपना परिणाम अवश्य दिखाता है। अगर आप विश्वास से नहीं करेंगे, केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए करेंगे तो आपको परिणाम देखने को नहीं भी मिल सकते हैं। बस आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंग बली।